जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से। इस बात का आगाह करता है शासन प्रशासन को कि पत्रकार स्वतंत्र है, अपना कार्य कर रहा है। पत्रकार एक्ट जिंदाबाद जिंदाबाद। बोल हल्ला बोल, बोल जुबान तक है तेरी। हल्ला बोल पत्रकार एक्ट जिंदाबाद जिंदाबाद। जिन्होंने जो है सत्य को उजागर करने का प्रयास किया उनके विरुद्ध मुकदमा लिखे गए। आप किसी भी जिले में देख लो, पत्रकार ने अगर अपने सच को उजागर करने की कोशिश की तो प्रशासन अपनी दमनात्मक कार्रवाई को करने से नहीं चूकता। और यहाँ तक कि योगी सरकार कहते हैं कि पत्रकारों के खिलाफ कोई भी बिना जांच उच्च स्तरीय जांच के बिना कोई मुकदमा दायर नहीं किया जाएगा, लेकिन स्थानीय प्रशासन और जिले के मुखिया इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। किसी ने भी झूठी शिकायत पत्रकार की है तो उसने तुरंत ही उनके खिलाफ विरोध मुकदमा कर लेते हैं। हम सब पत्रकार आहत हैं सरकार की कार्रवाई से। और अगर यही बात बनी रही सरकार की जो कथनी और करनी में अंतर रहा तो वो दिन दूर नहीं कि पत्रकार अपने हक के लिए हुकूक के लिए मर मिट सकता है, लेकिन अपनी सत्य बातों को उजागर करने में नहीं चूकता। यूपी दिवस के दिन जो कानपुर में तीन पत्रकार भाइयों के साथ झूठा मुकदमा लिखा गया उसको तत्काल वापस किया जाए। प्रशासन से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि जब तक पत्रकारों की कोई शिकायत अगर प्रशासन तक पहुंचती है अगर उसकी निष्पक्ष जांच ना कर ली जाए तब तक कोई मुकदमा पंजीकृत ना किया जाए। संयुक्त मीडिया क्लब आंदोलन के लिए विवश होगा जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।